नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई मसाला। बॉलीवुड की कुछ अपडेट्स पर आइए डालते हैं नजर। ग्लोबल आइकन बन चुकी दीपिका पादुकोण आज की लड़कियों के लिए एक इंस्पिरेशन है। ये एक्ट्रेस कई मौकों पर बिना हिचक के अपने डिप्रेशन के बारे में बात करते नजर आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, चाहे चैरिटी डिनर हो या किसी सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखनी हो, ये एक्ट्रेस अपने मौजूदगी और जबरदस्त सोच से हमेशा तारीफ पाती हैं। ये ऐसे कई बड़े इवेंट का हिस्सा रह चुकी हैं। हाल ही में ये एक्ट्रेस न्यूयॉर्क में चैरिटी डिनर के लिए पहुंची थी। यहां उन्होंने बतौर स्पीकर शिरकत की। दीपिका पादुकोण ने इस इवेंट में कई प्रेरणादायक बातें कहीं। इस एक्ट्रेस का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है। इसमें ये एक्ट्रेस ब्लैक पैंट सूट में नजर आ रही हैं। हमेशा की तरह उनका ये लुक काफी खूबसूरत और ग्लैमरस था। फिल्म मेकर सुजीत सरकार इस समय काफी बिजी चल रहे हैं। सुजीत विक्की कौशल के साथ शहीद उद्धम सिंह की बायोपिक फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग अभी खत्म ही नहीं हुई है कि उन्हें आज से अपनी दूसरी फिल्म यानी कि गुलाबों सितावों की शूटिंग लखनऊ में शुरू करनी पड़ रही है। इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन लखनऊ पहुंच चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को अमिताभ बच्चन चार्टर्ड प्लेन से लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचते ही बिग बी ने ट्विटर पर अपने फैंस को इसकी जानकारी दी। बॉलीवुड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर ने अपनी तमिल फिल्म आदाई का टीजर आज रिलीज किया है। फिल्म के पोस्टर ने पहले ही लोगों की बेसब्री बढ़ा दी थी। अब फिल्म का टीजर आया है। फिल्म का ये टीजर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। करण जौहर ने फिल्म का टीजर ट्विटर पर शेयर करते हुए फ्रीडम के बारे में बताया है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने आज सोशल मीडिया पर फिल्म बाबा का मोशन पोस्टर रिलीज किया। बाबा एक मराठी फिल्म है। संजय दत्त ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है। ये उनकी पहली फिल्म है। उन्होंने ये फिल्म अपने दिवंगत पिता और बॉलीवुड एक्ट्रेस रहे सुनील दत्त को समर्पित किया और उन्हें बहुत प्यार देने की भी बात कही। फिल्म के पोस्टर के साथ ही संजय दत्त ने फिल्म से जुड़ी कई अहम बातें भी बताई। उन्होंने ये भी बताया कि फिल्म को राज गुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं और फिल्म 2 अगस्त को होगी रिलीज। सिडनी, न्यूयॉर्क और सिंगापुर के बाद बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब लंदन के मैडम तुसाद भी पहुंच चुकी हैं। लंदन स्थित म्यूजियम में प्रियंका का बेहद शानदार वैक्स स्टैचू लगाया गया है। गोल्डन गिलेटरी गाउन में प्रियंका के वैक्स स्टैचू को देख एक बार के लिए आपको भी असली और नकली में अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। देसी गर्ल के वैक्स स्टैचू की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही है। कंगना रनौत और राजकुमार राव की जोड़ी बड़े पर्दे पर पागलपंती करने के लिए तैयार है। उनकी फिल्म मेंटल है क्या 26 जुलाई को रिलीज हो रही है। पहले इस फिल्म का ट्रेलर 19 जून को रिलीज होना था। ट्रेलर लॉन्च के लिए मुंबई में ग्रैंड इवेंट रखा गया था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। दरअसल मेंटल है क्या फिल्म के टाइटल को लेकर डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि फिल्म का टाइटल मानसिक रूप से बीमार लोगों का अपमान कर रहा है। फिल्म को लेकर मेकर्स अब किसी भी विवाद में उलझना नहीं चाहते, लिहाजा मेकर्स ट्रेलर रिलीज करने से पहले इसे विरोध कर रही एसोसिएशन को दिखाना चाहते हैं। प्रभासाक्षी में फिलहाल इतना ही। फिर हाजिर होंगे तमाम अपडेट के साथ। तब तक देखते रहिए मुंबई मसाला।